गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने लास्ट क्लास में मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़े थे, जिसमें हमने स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। समटाइम्स अदर प्लांट ग्रो अलॉन्ग विद वीड प्लांट इन द फील्ड। कई बार खेतों में गेहूं के पौधों के साथ कुछ और भी पौधे उग जाते हैं। दीज प्लांट ग्रो नेचुरली, ये पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं। वैन अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। यानी कि अनचाहे प्लांट जो कि क्रॉप के साथ अपने आप उगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। प्लांट्स क्रॉप प्लांट के अलावा जो भी प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वीड्स कहेंगे। दीज आर अनवांटेड अनकल्टिवेटेड और पेस्ट। ये क्या होते हैं, अनवांटेड अनचाहे होते हैं, अनकल्टिवेटेड जिन्हें हम उगाते नहीं, अपने आप उगते हैं, नेचुरली होते हैं, और इन पर पेस्ट होते हैं। विच ग्रो अलॉन्ग विद कल्टिवेटेड प्लांट एंड ऑन देयर ऑन, जो कि जो भी फसल हम उगाते हैं उनके साथ अपने आप उग जाते हैं। दे आर अ थ्रेट टू कमर्शियल क्रॉप एज दे कम्पीट फॉर सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ये क्या होते हैं, ये जो कमर्शियल क्रॉप है यानी कि जो फसल हमने लगाई है, उगाई है जो हमने खेतों में, उसके लिए खतरा है, क्योंकि जो फसल होती है और जो वीड्स होती है उनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है आपस में, किस चीज़ के लिए, सनलाइट के लिए, एयर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और वाटर के लिए। इन कंपार्ट्स ऑन थ्रू कल्टीवेटेड क्रॉप द सीड ऑफ वीड्स जर्मिनेटेड ईजिली। जो वीड्स होते हैं इनके सीड ईजिली जर्मिनेट हो जाते हैं अपने आप। द सीडलिंग ग्रो फास्टर, और सीडलिंग यानी कि जो बीज होते हैं अंकुरित होकर जल्दी से बढ़ने लगता है। दे फ्लावर अर्ली, और उनमें फूल भी जल्दी आ जाते हैं। देयर सीड प्रोडक्शन बिगिन आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड। इन फैक्ट वीड्स टेक अप ऑल द न्यूट्रिएंट एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। जो वीड्स होते हैं ये जल्दी बड़े हो जाते हैं और इनमें जल्दी ही बीज आने लगते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और ये क्या करते हैं, सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, सनलाइट है, वाटर है, एयर है, ये सब क्या करते हैं, ये वीड्स ले लेते हैं और फसल की जो ग्रोथ होती है उसको कम कर देते हैं। दे आल्सो स्प्रेड डिसीज टू द कल्टिवेटेड प्लांट। और जो हमने प्लांट लगाए हैं उनमें ये डिसीज पैदा करते हैं एज दे बिकम होस्ट टू मैनी डिसीज, क्योंकि ये क्या होते हैं, कई रोगों के लिए होस्ट होते हैं, यानी कि इनमें बहुत सारे डिसीज फैलाने के जो भी वेक्टर्स होते हैं वो इनमें होते हैं। मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, इन्हें क्या करना चाहिए, हमें खेतों से हटाना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज़ नॉन एज वीडिंग। खेतों से वीड्स को हटाना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है, यानी कि खरपतवार नाशी कहलाता है, यानी कि उनको हटाना कहलाता है। फार्मर्स रिमूव वीड्स बाय मैनी वेज। फार्मर कई तरीके से वीड्स को हटा सकता है। टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टिलिंग मतलब खेत को जोतकर, क्या खेत फसल उगाने से पहले खेत को जोतना चाहिए, जिससे क्या होते हैं, जो भी वीड्स होते हैं वो उखड़ जाते हैं और मर जाते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल, जो कि ड्राई होने की वजह से मिट्टी में मिल जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। वीड्स को हटाने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है कि उसमें फूल और बीज आने से पहले उसको हटा दिया जाए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फॉर टाइम टू टाइम। इसका जो मैनुअल रिमूवल मेथड है वो है फिजिकल रिमूवल, जिसमें हम क्या करते हैं, जमीन के बिल्कुल पास से, जड़ के पास से उसको हटाया जाता है, काटा जाता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, इसको खुरपी की सहायता से करते हैं। अ सीड ड्रिल इज़ आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल का यूज़ भी किया जाता है वीड्स को अपरूट करने के लिए, यानी वीड्स को उखाड़ने के लिए। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स को हम कुछ केमिकल्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल्ड वीडिसाइड, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं, लाइक 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म है 2,4-Dichlorophenoxy एसिटिक एसिड। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इनको खेतों में छिड़का जाता है ताकि जो भी वीड्स है वो मर जाए। दे डू नॉट चेंज डैमेज द क्रॉप, ये फसल को नुकसान नहीं पहुँचाते। द वीडिसाइड्स आर डायल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर।
जो वीडिसाइड्स होते हैं उनको पानी में घोलकर पतला कर लिया जाता है और खेतों में छिड़काव किया जाता है उसका। द बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। वीड्स को हटाने का सबसे अच्छा समय है उसमें फूल और बीज आने से पहले उसको हटा दिया जाए। वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड स्प्रेड इन द फील्ड। वीडिसाइड्स को पानी में घोलकर खेतों में स्प्रे किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। वीडिसाइड यानी खरपतवार नाशी का छिड़काव करने से जो किसान होते हैं उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल वेरी केयरफुली। इसलिए उन्हें इन केमिकल्स का यूज़ बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। इन केमिकल्स का छिड़काव करने से पहले जो फार्मर होते हैं उनको अपनी नोज़ और माउथ यानी कि अपनी नाक को और मुँह को एक कपड़े से ढक लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट यानी क्या होता है, कीड़े होते हैं, कीड़ों से जो फसल है उनकी रक्षा करना। क्रॉप आर एक्सपोज टू मैनी फैक्टर्स सच एज स्ट्रे एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट। फसल को कई कारक प्रभावित करते हैं जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स बर्ड्स और इंसेक्ट। एनिमल एंड बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे बाय बीटिंग ऑफ ड्रम्स। एनिमल्स और बर्ड को ड्रम बजाकर उनको डराया जाता है, उनको भगाया जाता है। एंड फाइनिंग स्केयर क्रो इन द फील्ड और खेतों में स्केयर क्रो लगाया जाता है जिससे कि कोई भी पक्षी वगैरह वहाँ पर ना आ सके। हाउ एवर देयर आर सम ऑर्गेनिज्म दैट स्पेशली अटैक एंड डैमेज टू द क्रॉप्स। कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, फसल पर अटैक करते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज पेस्ट। इन ऑर्गेनिज्म को, इन जीवों को क्या कहा जाता है, पेस्ट कहा जाता है यानी कि कीड़े कहा जाता है। दे मे इंक्लूड रैट लॉक्टस। लॉक्टस यानी कि टिड्डियाँ होती हैं। वीविल्स, वीविल्स मतलब होता है घुन या कीड़ा। लार्वल स्टेज ऑफ सम इंसेक्ट, कुछ कीड़ों की लार्वा स्टेज। और टर्माइट्स, टर्माइट्स मतलब होता है दीमक। केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू किल सच पेस्ट। इन पेस्ट को यानी कि इन कीड़ों को मारने के लिए फसल पर केमिकल का छिड़काव किया जाता है। दीज केमिकल्स आर आल्सो एज पेस्टिसाइड। ये केमिकल किस नाम से जाने जाते हैं, पेस्टिसाइड के नाम से जाने जाते हैं। स्प्रेइंग इज डन मैनुअली और बाय स्मॉल एयरक्राफ्ट। स्प्रे यानी कि जो पेस्टिसाइड होते हैं उनका छिड़काव मैनुअली भी किया जाता है यानी कि एक स्प्रेयर में भरकर उसको स्प्रे किया जाता है जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। इस तरीके से एक स्प्रेयर होता है उसमें भरकर और इसको फसल में उसको स्प्रे किया जाता है। और या फिर छोटे जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनमें, उनसे भी ऊपर से उस छिड़काव किया जाता है। दीज केमिकल्स स्टिक टू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये केमिकल्स फसल और सब्जियों, फल और सब्जियों के साथ चिपक जाते हैं एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय प्लांट। और कुछ प्लांट इन्हें सोख भी लेते हैं। दे कैन दीज फॉर बिकम अ पार्ट ऑफ फूड चेन। ये क्या है, फूड चेन का एक हिस्सा है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड मस्ट बी कैप टू बेयर मिनिमम। इसलिए हमें, इसलिए यही कारण है कि हमें पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना चाहिए क्योंकि प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।